हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि कैसे उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में सीनियर एक्टर्स ने दरकिनार कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और इससे पहले शहनाज कौर गिल भी अपना दर्द शेयर कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, सोनम बाजवा ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बहुत कुछ बताया है। चलिए आपको बताते हैं। फेमस एक्ट्रेस सोनम बाजवा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिन्हें उनकी खूबसूरती से ज़्यादा उम्दा एक्टिंग के लिए जाना जाता है। एक्ट्रेस मुख्य रूप से पंजाबी फिल्मों में काम करती हैं और वहीं से उनका स्टारडम काफ़ी आगे तक बढ़ा। उन्होंने बाद में कुछ हिंदी फिल्में भी की और अब शोबिस की दुनिया के प्रमुख नामों में से एक हैं। सोनम अपनी अनफिल्टर्ड विचार को खुलकर कहने के लिए भी अक्सर जानी जाती हैं। हाल ही में सोनम एक चैट शो में नजर आई थीं जहां उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की और कई खुलासे भी किए। जब सोनम से सवाल किया गया कि क्या शहनाज गिल की तरह उन्हें कभी किसी फिल्म के प्रीमियर पर या किसी सीनियर एक्टर द्वारा दरकिनार किया गया था, तो इस सवाल का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने अपने बचपन के चौंकाने वाले अनुभव को साझा किया। सोनम ने बताया कि उनके साथ रंग भेद हो चुका है, वो भी बचपन में, और उन्हें उनके रंग को लेकर कई बार अलग थलग कर दिया गया था। सोनम ने यह भी बताया कि वो पंजाबी हैं लेकिन उनका रंग गोरा चिट्टा नहीं है, इसलिए उनके कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें कभी भी अपने घर पर आमंत्रित नहीं किया। वो बड़े होने के बाद भी कभी अपने उन रिश्तेदारों का घर नहीं देख सकी, लेकिन जब वो अपने करियर में बहुत अच्छा करने लग गई तो उन्होंने उन्हें अपने घर पर बुलाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने संबंध ही नहीं अपना सम्मान भी उनकी नज़रों में खो दिया है। सोनम ने यह भी कहा कि ये तो जीवन है, सभी सफल लोगों का सम्मान करते हैं चाहे वो उद्योग हो या फिर समाज। सोनम बताती हैं कि हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम कभी भी उनके जैसा बिल्कुल भी ना बने। सोनम ने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें भी साइडलाइन कर दिया था, वो भी उस उम्र में जहां आप समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही नहीं, सोनम ने इंडस्ट्री को लेकर भी साइडलाइन की बात की और कहा कि इसलिए इंडस्ट्री में मैं जब उनको साइडलाइन किया था और बड़े और सफल सेलेब्स को महत्व दिया गया था तो इसका ज़्यादा असर उन पर नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने इससे बहुत बुरा समय देखा हुआ था। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े टीवी समाचार 24 के साथ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।